नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं टेक्निकल का कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि आप ये जान लीजिए कि ये हमने जितना भी क्वेश्चन लिया है वो ये निमी पैटर्न के बुक से लिया है, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन डैश है। देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है, NCVT में पूछा है 1997, 2002 और 2006 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है घनत्व। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन घनत्व है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि डैश मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर मापने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो आपेक्षिक घनत्व का उपयोग करते हैं। देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है NCVT 2003 में। चलिए इसके बाद जो है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सघनता डैश का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान या आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है NCVT 2010 में। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व की इकाई बराबर क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है NCVT 2009 में। पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि डैश का अनुपात है। तो ये जो है कि पदार्थ के घनत्व या 4 डिग्री पर पानी का घनत्व का अनुपात होता है, ठीक है। ये भी 2010 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, छः नंबर क्वेश्चन है, एक पदार्थ के घनत्व को डैश से परिभाषित किया जाता है। तो एक पदार्थ के घनत्व को मात्रा या आयतन से परिभाषित किया जाता है, ये भी 2005 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे का सवाल है, सात नंबर सवाल देखिए, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान या सघनता होता है, ठीक है। ये भी 2004 में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे देखते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन, CGS प्रणाली में घनत्व की इकाई डैश है। ये भी NCVT 1998 में पूछा गया है। तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू होता है इसका आंसर। GSC प्रणाली में घनत्व की इकाई ग्राम प्रति सेमी क्यू होता है। नौ नंबर सवाल देखिए, द्रव्यमान का CGS मात्रक डैश है, तो इसका ग्राम होता है। द्रव्यमान का CGS मात्रक जो है कि ग्राम होता है। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी का घनत्व तो चार डिग्री सेल्सियस पर डैश होता है, कितना होता है। तो 1 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, ठीक है, ये आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु का भार बराबर होता है, डैश यहाँ दिया है, तो M × G होता है, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, भार का MKS मात्रक डैश होता है, तो MKS मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तेरह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भार का CGS मात्रक डैश होता है, तो भार का CGS मात्रक होता है डाइम, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर है, द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में डैश आती है तो कमी आती है। द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में क्या होता है, कमी आता है। 15 है, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए डैश तुला का प्रयोग करते हैं, तो भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर है, भार ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, डैश तुला का प्रयोग करते हैं। कैसा तुला का, तो कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्प्लावन बल वस्तु पर डैश दिशा में कार्य करता है।
तो किस दिशा में काम करता है, तो ऊपर की दिशा में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे 18 देखिए, वस्तु की मात्रा बराबर क्या होता है, डैश होता है, तो वस्तु की मात्रा घनत्व गुने आयतन होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि P बराबर 2.5 ग्राम प्रति घन सेमी तथा V बराबर जो है कि 12.25 घन सेमी हो तो M बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे M, ये M बराबर फार्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30.625 ग्राम। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मैं अगले वीडियो में जो है कि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल को लेकर के आऊँगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख, यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु द्रव में क्या होगा, तो यहाँ पे तैरेगी। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपका एग्ज़ाम में जो है कि काफ़ी मदद भी होगा। सो थैंक यू।